दोस्तों आज ही इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फेसबुक में सेव ड्राफ्ट कैसे देखें, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है ऐप में, ऐप सर्च करिएगा यहाँ पर, ठीक है। ऐप सर्च करने के बाद यहाँ पर ऐप आ जाएगा और ऐप में चले जाइएगा और यहाँ मैनेज ऐप में जाकर फेसबुक ऐप को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। फेसबुक ऐप को सर्च करके उसको ओपन कर लीजिएगा। देन ओपन करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने का एक और तरीका है, फेसबुक को लॉन्ग प्रेस करिएगा और ऐप इन्फो में क्लिक करिएगा और यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आने के बाद यानी क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन था, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा ये सब ऑन है कि नहीं। अगर ये ऑफ है तो सबको ऑन कर दिए जितने भी ऑप्शन दिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से हम बैक हो जाएंगे और बैक होने के बाद क्या करना है, सिंपली अब हमको फेसबुक ऐप को ओपन करना है, ठीक है ना। क्योंकि जब भी हम सेव ड्राफ्ट देखना होता है तो इसके लिए नोटिफिकेशन ऑन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, तभी हम सेव ड्राफ्ट को देख सकते हैं। तो कैसे देखेंगे आइए जानते हैं। तो यहाँ पर आएँ तो आप रेंडमली कोई सा भी अक्षर लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ बैक वाला ऑप्शन जो दे रहा है इस पर क्लिक करना है और सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करते ही आपको ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा सेव ड्राफ्ट का, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जितने भी आपने पहले जो ड्राफ्ट किए होंगे 3 दिन पहले तक, देखिए यहाँ पर ड्राफ्ट विल बी डिस्क्राइब आफ्टर 3 डे, यानी 3 दिन तक आपको यहाँ पर जो भी ड्राफ्ट आप करेंगे वो सेव रहेगा, ठीक है ना। तो आप इसको बस सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और वो ड्राफ्ट देख सकते हैं और इसको पोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह करके आप बहुत ही आसानी से फेसबुक में सेव ड्राफ्ट को देख सकते हैं और उसको फिर से पोस्ट भी कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो दैट सी टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।